Agriculture has been an integral part of the life in Uttarakhand Hills. Due to prevalent unfavorable conditions, despite intense labor, agriculture never yielded good earnings. Amidst such conditions, agriculture was developed as a business venture here, with the help of World Bank funded Uttarakhand Decentralized Watershed Development Project, Gramya. Besides this, to provide the intangible agriculture-based benefits to the 40 gram panchayats under the 5 micro watersheds selected under Gramya, soil and water conservation activities were carried out through the SLEM sub-project. To derive commercial benefits from agriculture production, the soil and moisture conservation activities proved extremely beneficial. Besides this, terrace repair activity provided protection to the fields, and irrigation facilities were also provided by the project. Protected cultivation was provided impetus by giving poly houses to the stakeholders in the area. पहले तो कुछ भी व्यवस्था नहीं थी, अब तो व्यवस्था अच्छी हुई है साहब। जलगम से पोले हाउस मिलने से तो हमारे जो है बेसिजनी सब्जियां उगलाते हैं, बाजार रेट ज़्यादा होता है और उसमें हमें फ़ायदा मिलता है। सब्जी हमने लौकी उगा लेते हैं, बैगन, शिमला मिर्च और क्या कहते हैं बेसिजनी में मूलियाँ होते हैं, अभी बरसात के टाइम मूली नहीं होती, मूली हो जाती है। प्याज उगा लेते हैं, 4000 की तो हमने लौकी बेच दी थी सर, उसके बाद रिश्तेदारी में बाँटी और अपना खाने के लिए तो हुआ ही हुआ और 4000 की बिक्री कर ली थी मैंने लौकियों की सर। NGO support was taken in the form of a divisional support agency, CHEA, with an objective of increasing the production to a surplus level through the use of high-yielding variety seeds and fostering markets for the marketing of this surplus production. Project mein high-yielding variety or hybrid variety, jo ki vegetables or ग्रेन क्रॉस में दी गई, उससे प्रोडक्शन बढ़ाया गया। प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद में मार्केटिंग पे जोर दिया गया और मार्केटिंग के लिए जो है डिविजनल सपोर्ट एजेंसी को अपॉइंट किया गया। डिविजनल सपोर्ट एजेंसी ने मार्केट लिंकेजेस बढ़ाए, जिसके कारण जो मिडिलमैन है वो धीरे धीरे उनकी व्यवस्था को जो है बहुत हद तक कम किया गया। इससे अधिक से अधिक मुनाफा जो काश्तकारों को प्राप्त हुआ। DSA के रूप में हमारा जो मुख्य उद्देश्य था क्षेत्र में वो ये था कि हम उत्पादन को बढ़ाएँ, उसके साथ जो उत्पादन का समय है जो पहले 3 माह 4 माह होता था उसको 6-7 माह किया, और उसके लिए मुख्य रूप से हमने रोटेशन पॉलिसी वहाँ पर अपनाई थी किसानों के बीच में, जिससे कि उनका उत्पादन लंबे समय तक होता था। उत्पादन कम रहता था, रोज़ जाता था तो लाभ उनको अधिक होता था, रेट ज़्यादा मिलते थे क्योंकि अधिक उत्पादन अगर होता है तो रेट कम मिलते थे। और साथ ही हम लोगों ने किसानों को जो एक महत्वपूर्ण जानकारी दी कि उनको सीधे मार्केट लिंकेज करवाया, तो इसके माध्यम से क्या हुआ, एक तो विश्वास बढ़ा ट्रेडर्स के बीच और जो भी खरीदार थे उनको कि हमें हाँ अधिक समय तक का उत्पादन मिल सकता है, और साथ ही फेडरेशन को और किसानों को ये लाभ पता चला कि हाँ अगर हम डायरेक्टली मार्केट लिंकेज करेंगे तो हमारी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी और जो अन्य ट्रेडर भी हुआ करते हैं वो भी अब उनको अधिक मूल्य दे रहे हैं। तो एक तरीके से हमने जो मुख्य कार्य किया वो मार्केट इंटेलिजेंस बढ़ाने का किया वहाँ पर, और उसी के माध्यम से आज ये जो टर्नओवर है फेडरेशन का वो लगभग 5 लाख रुपया प्रतिवर्ष हो गया है। Farmers were motivated to form FIGs or farmer interest groups for agribusiness. These FIGs were further motivated to unite, forming a farmers' federation. हम लोगों के द्वारा यहाँ पर ग्रामीण परियोजना के अंतर्गत एक फेडरेशन का गठन किया गया है। इसका नाम है पहाड़ पानी उत्पादक विपणन एवं स्वायत्त सहकारिता।
जिसमें हमको डिविजनल सपोर्ट एजेंसी चिया ने सपोर्ट किया। हम लोगों ने 42 कृषक इच्छुक समूह का हमने गठन किया है जो हमारे खुद उत्पादक किसान हैं। इससे पूर्व में हम लोग जो पारंपरिक खेती करते थे, मडुआ भट यही चीज़ें उगाते थे। ग्राम्या परियोजना के आने से हमारे यहाँ के किसान आधुनिक तकनीकी से बेमौसमी सब्जियाँ पैदा कर रहे हैं और फेडरेशन के माध्यम से मंडी तक सीधे सप्लाई कर रहे हैं, जिससे जो हम पर बिचौलिया हावी थे उनका नियंत्रण कम हो। All the inputs and paraphernalia required for post-harvest and marketing of their surplus produce was provided by the project to the Farmers Federation Pahar Pani, registered under the Self-Reliant Cooperative Act 2003. ग्राम्या द्वारा जो ये सामान डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर हुआ मिला, इसमें हमें कई तरह के सामान मिले जिनमें क्रेट्स, जूट बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, पाइप सिंचाई के लिए, टब वगैरह, और सूपे, डोके, त्रिपाल, बहुत सामग्री हमें मिली। और इसका यूज जो हमारे किसान FIG ग्रुप सब में बांटा गया है, सामान हर FIG वाइज मिला तो सबको बांटा गया, और इससे जो है हमारे किसानों को काफ़ी सुविधा हुई। These FIG members take their surplus production to the collection grading center provided by the project. Where they are collected, weighed, packaged and labeled for proper grading, and then they are marketed. After distribution of profit among the farmers, who are FIG members, a part of the profit is deposited in the account of the Farmers Federation. हम फेडरेशन में पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। हम फेडरेशन में जब विपणन की व्यवस्था हमारी चलती है तो हम 15 दिन में एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में सभी काश्तकारों को बुलाते हैं और उनका 15 दिन में उनका पेमेंट भी करते हैं, जिसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। और जो उनकी बिक्री, माल की बिक्री होती है, बिक्री की रेट लिस्ट कार्यालय में लगाते हैं और उन तक अवगत कराते हैं। उसके बाद हम उन्हें पूरा भुगतान करते हैं और उनका जो माल हमें प्राप्त होता है वो हम किलोग्राम में भी उसको आँकते हैं और किलोग्राम से ही उनका पेमेंट भी करते हैं। फेडरेशन में अभी हमारे पास लगभग 1,45,000 के आसपास बचत है, और भविष्य में हमारी सोच है कि जैसे हम सारे काश्तकार को मिलकर के एक अच्छी फेडरेशन के रूप में हम दिल्ली मदर डेयरी और इनसे अपना कॉन्टेक्ट करके यहाँ के कृषकों को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाने का एक हमारी योजना है। Keeping in view the growing demand for local pulses, the FIG members were motivated for marketing of pulses. These FIG members muster the material, clean and grade properly. Later, these products are packaged and labeled. In this way, they are able to fetch good prices after value addition of their products. दालों की पैकिंग करते हैं, मसालों की पैकिंग करते हैं, और यहाँ पर हम लोग, यहाँ सब लोग हमारे समूह में 15 सदस्य हैं, सब लोग मिलके यहाँ पर दालों को बीनते हैं, और कोई लोग बीनते हैं, कोई पैकिंग करते हैं। पैकिंग छोटी पैकिंग का जैसे 1 रुपया और 2 रुपया ऐसे होता है, और से पैकिंग का जो पैसा मिला उसी को हम जमा करते हैं। Keeping in view the scope of production and marketing of fruits in the project area, special emphasis was laid on horticulture activities in the project area. Orchards with improved fruit varieties were developed in the area.
These orchardists are earning well by marketing their horticultural surplus through the Federation. इस वक्त मेरे पास करीब 40 पेड़ हैं। जी, कुछ वर्तमान में आरू के पेड़ जो हैं, वो 40 हैं, जो फल दे रहे हैं। अभी उनकी उम्र छोटी है, इस वास्ते थोड़े बहुत किसी में आधा पेटी, किसी में एक पेटी, इससे कुल मिला के करीब करीब 30 पेटी के लगभग इस साल मैंने इसमें फल बेचा। Keeping in view good production of fruits in the project area, emphasis was also laid on the processing and semi-processing of fruits. Shri Roshan Singh Lamgadia of Gram Panchayat Suni is making a good profit by fruit preservation and through the juicer provided by the project. यहाँ पर जब ग्रामीण आई, उससे पहले असल में हम लोग बेरोजगारी थी गांव में, इस तरह का कोई रोजगार के कोई साधन नहीं थे। जलागम के ग्रामीण के सहयोग से जो मशीन मिली मुझे, उससे मैंने छोटे स्केल पे पहले काम शुरू किया। आज मुझे जो ये काम करने से, जूस बुरांस और जूस मौसमी का जो मैंने काम किया, उसमें जो लाभ हुआ, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का कोई काम कर रहा हूँ। मेरे जीवन में वास्तव में, मैं बार बार कहता हूँ कि ग्रामीण का बड़ा आभारी हूँ, वास्तव में मेरे जीवन में अचानक इतना बड़ा बदलाव आया इसको करने से। आज जो मुझे लाभ मिल रहा है, जो मुझे 80,000 रुपया इन 4-5 महीनों में मैंने कमाया, उससे निश्चित मेरे जीवन में वास्तव में मेरे बच्चों की पढ़ाई, मेरा अपना रहने का, खाने का, रहन सहन में जो वास्तव में निश्चित रूप से बड़ा एक बदलाव आया है, उसमें सुधार हुआ है। This change after federating and unification of the farmers' interest groups into a federation is merely the tip of the iceberg. Because it is just the beginning of the road to a glorious future, on which these farmers and the project are walking forth, hand in hand. कभे आया दगड़े माठू माठू मेरे गाँव को अच्छा सेनो सेनो बाटो ओइनोल पॉली हाउस घरों में लगवाई बेमौसमी सब्जी उगाई बेरोजगारी के दूर करा छो हमू कानी रोजगार दिला।